Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حمد وثنا الله جل شانه جل جلاله واسطے درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام الانبیاء فخر انسانیت محسن اعدا حبیب کبریا میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جناب احمد مجتبی سیدنا کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ وسلم واسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیو ساتھیو دیوقار بزرگو قابل صد احترام میری سننے والی روحانی ماؤ معززات بہنوں دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا تہاڈا مل بیٹھنا اس خطبہ جمعۃ المبارک والی عظیم الشان محفل مجلس نو اس حاضری نو فرض دی ادائیگی نو اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے اور جو کچھ قرآن و حدیث اندروں پڑھیے پڑھائیے سنیے سنائیے اللہ سونا عدت عمل دی توفیق عطا فرما دے تو محترم پیارے بھائیو بلا تمہید بات شروع کرنے آ پچھلا جمعہ جیسا کہ علامات قیامت صغرا یعنی قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں دے متعلق گفتگو ہوئی انتہائی اختصار نال بہت ساریاں نشانیاں لیکن چیدہ چیدہ جو میں وقت دی ضرورت سمجھیاں وہ نشانیاں دا تذکرہ اللہ دے پاک کلام وچوں پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچوں بیان کیتا قیامت دیاں نشانیاں علامات قیامت کبرا یعنی بڑیاں نشانیاں چند ایک دا تذکرہ کرانگا دعا ہے اللہ پڑھ پڑھا کے سن سنا کے سانو صاحب عمل بنائے صاحب کردار بنائے توجہ فرمانا اللہ دے قرآن وچوں مسئلہ پوچھئے تے گل لگے چلائیے تیسواں پارہ تیسویں پارے دی دوسری سورت اللہ اکبر کبیرہ اللہ سبحانہ وتعالی اعلان فرما دل فرمایا اے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا درود دی چھلاوے مجمع چوں اللہ عرشاں تے راضی ہوندیاں ہویاں فرماوے میرے نبی نال اتنا والے ہاں نا پیار محبت کرنے والے ہو اتنی عقیدت رکھنے والے ہو میں تہاڈے گناہ معاف فرما چھڈن یقیناً درود پاک پڑھن نال اللہ گناہ وی معاف فرماندے نے ہاں 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 میرے نبی علیہ السلام میرے تیرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا اللہ کریم نے فرمایا جی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ
फरमाया मेरे महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे सोहने पैगंबर जी, तुहाडे कोलो कयामत दे बारे अंदर पूछ देन कि कयामत कदों आएगी, उसका कब वुकू होगा, कयामत कदों आएगी ना। अल्लाह करीम ने नाल लगदे आई फरमाया फीमा अंत मिन ज़िक्रा, फरमाया तुसी ओदे जिक्र अंदर किस वजह तो फिक्र अंदर हो, तुहानू कादा फिक्र है, कयामत दा फिक्र ते ओनू है ना जिन्हें कयामत की तैयारी की हुई। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह, फरमाया इला रब्बी का मुंतहा, फरमाया ओदी इंतहा यानी ओदी मुंतहा दा वक्त, यानी जदों वो वाके होएगी वो वक्त सिर्फ और सिर्फ रब्बे अर्जो समानुए अल्लाह सोने नुए ना। फरमाया इल्लामा अंत मुंदिर मैं यख्शा, अल्लाहु अकबर वा कुरान तेरी आजमतां तो कुर्बान जावा। फरमाया जेड़ा जेड़ा बंदा ये डर रखता है और ये डर ते सुनाने वाले नू ये ना, अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह, फरमाया कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यलबसू इल्ला अशियतन औ ज़ुहा, फरमाया जदों वेखणगे यानी कयामत नू वेखणगे ना, फरमाया वो जदों वेखणगे ते गोया यानी दुनिया दे अंदर इंजे महसूस करनगे एक सुबह गुजारीए या एक शाम गुजारीए, ना खत्म होने वाली जिंदगी, इतनी लंबी जिंदगी लगती है। कदी अल्लाह दे कुरान दा मुतालिया कीता होवे ते पता चले, कदी अल्लाह दे कुरान नू पढ़िया होवे, कदी कुरान दा तर्जमा सुनिया होवे या पढ़िया होवे ते मसाइल तो आगाही हुंदी चले जाए, नाले रब रहमान दी कुर्बत नसीब हुंदी चली जाए। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह, फरमाया एवें ही लगेगा ना जिवें एक सवेर गुजारीए या एक शाम गुजारीए। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह, कयामत 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 दियां बड़ियां निशानियां दा तज़करा करदा जावां। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुस्लिम शरीफ दी हदीस पाक बयान करदा जावां। साडे कोल गल्लां दो ही ने, या रब दा कुरान है या प्यारे आका जनाब मुहम्मद दा फरमान है। हाँ हाँ, मुस्लिम शरीफ दी रिवायत पेश करदा जावा, हदीस मुस्लिम ना हजरत हुज़ैफा बिन यमान। हाँ हाँ माशाल्लाह, फिर कह दियो जरा सहाबा दे दीवानियो परवानियो, सहाबा दा नाम सुन के तड़प जाया करो। अल्लाहु अकबर, ऐसे ही जुमे हाजी साहब तस्करा हो रहा हजरत हुज़ैफा बिन यमान दा, या पिछले जुमे भी हदीस आईया? बिल्कुल माशाल्लाह, फरमांदे ने पिछले जुमे भी बिल्कुल हज़रत हुज़ैफा बिन यमान वाली रिवायात सुनिया, मसलियां नू याद रखिया करो। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला बयान कर देने ना कि अल्लाह रसूल ने फरमाया, फरमाया मैं यकीनन दज्जाल दे मुतालिक तुहाडे सब नालों ज़्यादा जानना वा ना कि ओदे नाल की कुछ होएगा ना। अल्लाह दे नबी ने फरमाया, फरमाया ओदे नाल दो नहरां होणगियां, दज्जाल दे नाल कितनियां? दो नहरां। एक नहर दे अंदर सफेद पानी होएगा,
जेड़ा अखां दे सामने नजर आ रहा होएगा और दूसरी अंदर आग भड़क रही होएगी, वो भी अखां दे अगे नजर आ रही होएगी। दो नहरां, एक चिट्टे पानी वाली, एक भड़कण वाली अग वाली, ये दो नहरां होणगियां। अल्लाह दे नबी ने फरमाया, लिहाजा जदों तुहाडे विचों कोई बंदा इस मौके नूं पा लवे जिहदी जिंदगी दे अंदर वाकया होवे, वो नहरां नूं वेख लवे, दज्जाल जिंदगी दे अंदर आ जाए। अल्लाह दे नबी ने फरमाया ते वो अग वाली नहर अंदर छाल मारे। अल्लाहु अकबर कबीरा, ए है मेरे मुहम्मद मुस्तफा दा ओ इल्म गैब जिहड़ा अल्लाह ने अता फरमाया सी, जिहड़ा किसे होर उम्मती नूं अताया नहीं है। अल्लाहु अकबर, आताई इल्मे गैब ना, बाकी आलिमुल गैब जात मेरे अल्लाह सुने दिए ना, इल्मे गैब अल्लाह दी सिफत ना, यानी रब सुने दिया सिफतां किसे बंदे अंदर, किसे बशर अंदर, किसे नबी अंदर, किसे बली अंदर, उन्हां सिफतां नूं शरीके कार नहीं बनाया जा सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ते नबी ने फरमाया ए गली नहर अंदर खूब डुबकियां मारे, ओदे अंदर अपना सर झुक आए और पानी पीवे, क्योंकि ओदा पानी ठंडा होएगा। दज्जाल धोखा होएगा, दज्जाल धोखा होएगा, यानी धोखा जेड़ा कुछ जाहिर नजर आ रहा होएगा उवें नहीं होएगा। जाहिर अंदर लगेगा कि नहर ते पानी आली, लिहाजा पानी वो अग होएगी दर हकीकत। अगली रिवायत बयान करता जावा, अल्लाह दे नबी ने फरमाया, अल्लाहु अकबर लाला, दूसरी रिवायत अंदर अल्लाह दे नबी ने फरमाया, माहू जन्नतुन व नारुन। गालिबन रिवायत उस पहली रिवायत दे नाल अकासी कर रही है ना, फरमाया उहदे नाल जन्नत भी होएगी जहन्नम भी होएगी। नाल अल्लाह दे नबी ने फरमाया, फनारू जन्नतुन व जन्नतु नारुन। फरमाया एदी जड़ी जन्नत दर हकीकत ओ जहन्नुम होएगी, एदी जड़ी जहन्नुम दर हकीकत ओ जन्नत होएगी। दज्जाल झूठा होएगा, दज्जाल झूठा दा पुलंदा होएगा, झूठ बोलेगा, करतब करके भी खाएगा, इयो जे अमल करेगा लोग वेख के आखणगे कि ए रब्बे, लोग ओदे ते ईमान ले आणगे, लोग ओदे पिछे चल पैणगे। माज अल्लाह, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अज दे दौर अंदर मुसलमान, मेरे तेरे अकीदे दा जनाजा निकल चुकिया। जेड़ा कुरान और सुन्नत दे करीब है अकीदा उदा ही महफूज है, जेड़ा कुरान और सुन्नत तो दूर है अल्लाह दी कसम भावें जेड़ा मर्जी चाहे ओदे अकीबे ओदे अकीदे नूं नकब ला लवे। अज को सफेद चोला पा के, सफेद लंबी घनी दाढ़ी दे नाल, बड़ा उच्चा तुर्रे वाला कुल्ला पा के, ते बड़े सोहने कपड़े ते बड़िया बशकुआं खुशबुआं ला के, बड़िया सेंट ते परफ्यूमां ला के, तेरे सामने हवा दे विच किसे चीज़ नूं मुअल्लक कर देवे, तेरे सामने को करतब करके दिखा देवे, वो मुसलमान मैं वेखना तू तो उहदे पैरां च डिग जाना है। तू कहना वाह 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 वाह, अल्लाह दे वली सन, बड़ा बड़ा कमाल कीता हजरत तुरां दी, क्या पहुंची सरकार ने। ते माज़ अल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, को बंदा तेरा हाथ पड़े तेनू करंट लगता, तू जा परां पौंदा जाना। ये जी अल्लाह दे वली ने की, अल्लाह दे वली करदे ने बंदे नू हाथ नाल हाथ मिलांदे ने, हाथ फड़दे ने, ते बंदा दौरिया जा जांदा है। आखे जी रब दा जिक्र, दिल भी भड़कन लग जांदा है। अल्लाह दी कसम है, ऐसा जिक्र इलाही होंदा ते मेरे मुहम्मद मुस्तफा जरूर सिख लांदे, अल्लाह दे नबी सहाबा दे दिलां नू जरूर जारी फरमांदे। लेकिन अल्लाह दे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा अफज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, अफज़लु ज़िक्र कीए ला इलाहा इल्लल्लाह, ए नहीं सिर मारी जाना ते ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाहु अल्लाहु, इवें सिर मार मार के, नहीं नहीं नहीं, दिल अंदर ख्याल होवे ला नहीं है अल्लाह सुनिया, इला कोई इला इल्लल्लाह, मगर अल्लाह तू ही है माबूद बरहक, अल्लाह तेरे तो इलावा कोई इला नहीं है। बंदा बार बार इकरार करे, दिलों इकरार करी जावे, ए है जिक्र इलाही। अल्लाहु अकबर कबीरा, एवें झूठे
झूठियां करतबा नू करामता ना समझिया करो। सुनियो मैं ये दसना चाहना कि दज्जाल झूठा दा पुलंदा होएगा। अल्लाहू अकबर अल्लाह 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 दे नबी ने फरमाया फरमाया मेरे पाक मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया दज्जाल एक अख तो काणा होएगा। दूसरी रिवायत अंदर अद्दज्जाल वरुल आइन ओदी अख उभरी हुई होएगी यानी सफेद झिल्ली होएगी ओदी अख ते एवें अंडे दी तरह ओदी अख उभरी हुई होएगी। अल्लाह अकबर अल्लाह लाला नाले फरमाया ओदी अख ते मोटी जिल्द मां जिल्द होएगी जिन्ने उनू ढांपिया होएगा यानी ओदी अख नू कजिया होएगा। लेंस जेड़ा है ना जदीद लफ्जा समझो लेंस नहीं होएगा, लेंस दे उत्ते चिट्टी झिल्ली चढ़ी होएगी एक तय होएगी ते उन्हें उन्हों बाहर निकली होएगी ते उन्हों उन्हों कजिया होएगा काना दज्जाल उन्हों तां करके बोलिया जाता है। अल्लाहु अकबर अल्लाह 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 दे नबी ने फरमाया जरा तवज्जो फरमा दिया जाना फरमाया एदियां दोवां अखां दे दरमियान एदी इस जगह ते मत्थे ते काफिर लिखिया होएगा। हर बंदे नू काफिर नजर नहीं आएगा सिर्फ मोमिन बंदा उन्हों वेख सकेगा। कुरान पाक दी एक आयत है अल्लाह सोने ने फरमाया तज़क्करू फ़इदा हुम मुबसिरून। जिहड़े अल्लाह दे वली ने ना औलिया अल्लाह ने जिहड़े अल्लाह दा कुरान पढ़ने वाले ने ना अल्लाह दे जिक्र दी वजह करके अल्लाह दी याद दी वजह करके अल्लाह ने इन्हां नूं मोमिन बनाया हुंदा साहिब बसीरत बनाया हुंदा है। ये दूरों ही वेख लेंदे ने मामला किधर नू जा रहा है। हाँ हाँ जेड़े मोमिन बंदे होणगे ओही उन्नू वेख सकणगे ना के ते काफिर है ना। अल्लाहू अकबर अल्लाह अल्लाह फरमाया अल्लाह दे नबी ने जिन्हों हर ख्वानदा तिना ख्वानदा मोमिन पढ़ सकेगा। दूसरी रिवायत बयान करता जावा हजरत इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला बयान करते ने अल्लाह दे नबी ने फरमाया फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लै करके कयाम तक दज्जाल तो बड़ा कोई आदमी नहीं आया ते ना आएगा। हर नबी रब को पना मंगदा है दज्जाल दे फितने को। हर नबी ने दुआ मंगी अल्लाह दज्जाल दे फितने को महफूज फरमा ले। मैं ते तू नमाज अंदर एक दुआ सीखी हुई है दुरूदे पाक तो बाद असी पढ़ने हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। या रब्बी जअलनी मुकीम सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। बस यही पढ़ने हैं ना। ये दो दुआवां आम तौर पर सीखियां हुईं नबी अलैहिस्सलाम ने जड़ी पढ़नियाँ जायज़ ने। कुरान दियाँ सारियाँ दुआवां नमाज अंदर पढ़नियाँ जायज़ ने पढ़ सकते हो। लेकिन अल्लाह दे नबी ने जड़ी सहाबा नूं नमाज सिखाई है ना उदे अंदर बकायदा ये तो इतने जड़ियाँ दो दुआवां खास ने हजूर ने वह भी याद फरमाइया ने। हाँ 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 वह दुआ केड़िया ने वह दुआवा केड़िया ने अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री व औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ये हर नमाज के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने जड़ी दुआ सिखाई है। मेरे नबी नमाज अंदर पढ़िया करते सहाबा भी पढ़िया करते तुम्हें भी यह दुआ याद करो प्यारे रसूल की प्यारी दुआएं अंदर तुम्हें यह दुआ मिल जाएगी। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह यानी दज्जाल को हर नबी ने पनाह मंगी अल्लाह अपनी पनाह अंदर ले ले। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला बयान कर देने बुखारी और मुस्लिम अंदर रिवायत मौजूद है ना हजरत अनस बिन मालिक फरमाते ने दज्जाल मक्का ते मदीने तो इलावा बाकी तमाम शहरां दे अंदर जाएगा। एक दूसरी रिवायत सुनांदा जावां मुस्नद अहमद अंदर रिवायत मौजूद सही सनद दे नाल रिवायत दे नाल अल्लाह दे नबी ने फरमाया बैतुल मक़दस अंदर ते जबले तूर ते भी दज्जाल नहीं जा सकेगा। मक्के मदीने अंदर दाखिल नहीं होएगा याद कर लवो। दूसरी केड़ी जगह है बैतुल मक़दस ते जबले तूर ते भी जबले तूर मक्का दे अंदर उथे भी
नहीं जा सकेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगे तवज्जो फरमाते हैं जाना जरा, अल्लाह के नबी ने नाल ही फरमाया कि ना फरमाया, और दज्जाल 40 दिन कयाम करेगा। जबकि एक और रिवायत अंदर आंदा है ना, दूसरी रिवायत के मुताबिक इन्हों 40 दिनों के विचों यानी एक दिन जड़ा है ना वो साल के बराबर होएगा, दूसरा दिन महीने दे बराबर होएगा, तीसरा हफ्ते दे बराबर होएगा, बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। ये दूसरी रिवायत अंदर अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। और इन्हों 40 दिनों दे अल्लाहु अकबर कबीरा दूसरी रिवायत मुस्लिम शरीफ की सुन दिया जाना, अल्लाह के नबी ने फरमाया जेड़े बंदे ने सूरत कहफ दियाँ शुरू वालियाँ 10 आयतां वफी रिवायत आखर, और दूसरी रिवायत अंदर है ना एक और रिवायत अंदर है ना फरमाया सूरत कहफ दियाँ आखिरी 10 आयतां जिन मन हाफिज़ा अशरायतिन उसिमा मिन दज्जाल, जिन्हें सूरत कहफ दियाँ पहलियाँ 10 आयतां या आखिरी 10 आयतां याद कर लियाँ, जिहड़ा इन्हां नूं पढ़दा रहा वो दज्जाल दे फितने कोलों महफूज हो जाएगा। अगर कोई तबाही आई है ना, तबाही का तज़करा होया है, तो मेरे नबी अलैहि सलाम ने इहदे कोलों बचाओ दियाँ तदाबीर भी साहबां नूं सिखलाईआं। अगर जन्नत का तज़करा तो जहन्नम का भी है, अगर गुनाह हो गया तो मुआफ़ी भी है, अगर शिरक करता रहे अल्लाह को मुआफ़ी मांग अल्लाह मुआफ़ फरमा देगा। हैं अगर कोई ऐसा मामला तो नालो दियाँ तदाबीर भी दसिया गई ने। हुण याद करना के दा कम में मसला सुन लिया, सूरत काहफ दियाँ पहलियाँ 10 आयतां या आखिरी 10, मसला सुन लिया। सारी जिंदगी याद नहीं करनी, सारी जिंदगी नेड़े नहीं जाना। बंदा डेली दे चार चार लफ्ज भी याद करे ना 10-12 दिन बाद बंदे नूं याद हो जांदियां ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तिरमिज़ी दी रिवायत बयान करदा जावां, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला बयान करदे ने, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत नूं सही आख्या ना, अल्लाह दे नबी ने फरमाया यानी पहला बड़ा फितना दज्जाल वाला फितना, कुर्बे कयामत दियाँ निशानियाँ यानी अलामत कुबरा कयामत दियाँ बड़िया निशानियाँ, जो दज्जाल द होना वह आना बड़ी निशानी। दूसरी सुनते हैं जाना जरा, ज़ुहूरे इमाम महदी के बारे अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तकूमु सातु हत्ता यमलिकल अरब रजुलु मिन अहलि बैती युआतियु इस्मुहु इस्मी। अल्लाह के नबी ने फरमाया फरमाया अरब दे विचों एक बंदा जेड़ा मेरे अहले बैत विचों मेरे अहले बैत विचों मेरे घराने विचों ओदा नाम भी मेरे नाम वर्गा होएगा। अल्लाह दे नबी ने फरमाया ओदा नाम फरमाया ओदे बाप दा नाम मेरे बाप दे नाम जैसा, ओदी माँ दा नाम मेरी माँ दे नाम जैसा, और ओदा नाम मेरे नाम जैसा। वो कौन होणगे? इमाम महदी अलैहिस्सलाम होणगे। अल्लाह मुआफ़ फरमाए, हुण तक ते हाजी साहब काफ़ी सारे महदियाँ दा तज़करा, जिहड़े झूठे महदी आए ने ना, मैं तो उन्होंने महदी नहीं कहांगा झूठे महदी हैं। ये झूठा दे पुलंदे कोई हिंदुस्तान चो खड़ा होंदा ते कहंदा मैं महदी हाँ, कोई बाहर करतूत करदा फैसलाबाद जेल च जांदा उत्थे जाके कह दिंदा ऐलान कर दिंदा मैं भी अज तो महदी हाँ, बंदूक वालिया नाल मोटर वे ते वह वड्डा सारा एक फितना कोई अज तो कोई 15-20 साल पहले याद आ रहा ना एक फितना, वो आलमन शहबाज के की नाम सी उहदा हैं, वो फितना जिहड़ा फैसलाबाद चो उन्हें आखा जी मैं भी महदी हाँ, जा पार्लीमेंट ते कब्जा करना मैनू भी महदी होण दद्दा। एक अजकल नवा फितना आया फेसबुक ते, लाहौर का कोई बंदा दाढ़ी मुछ मोने ते सारा कुछ कहंदा मेरे ते वही आंदी रही है, मेरे ते मामलात हुंदे रहे ने, लिहाजा मैं पक्का महदी हाँ, मेरे ते यकीन करो। मैं क्या तू पंजाबी वाली महदी है जिहड़ी लाल कर दिंदी है, बाकी तू महदी ते नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर अल्लाह 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 अल्लाह। एवें ही हर बंदा मूँह उठा के, इहो लोग ने जेड़े कुरान सुन्नत तो दूर ने।
हाँ हाँ ऐसे करके बार बार कहने कुरान व हदीस का मुतालिया करया करो। अल्लाहु अकबर अल्लाह 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 के नबी ने फरमाया यमलाउल रज़क इस्तगवातलन कमा मुलियत ज़ुल्म व जहूरा। अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरी रिवायत पेश करता जावा अबू सईद खुदरी वाली बेशक मेरी उम्मत विचों एक महदी आएगा ना जेड़ा ज़हूर दे पांच या सात या नौ साल तक रहेगा। जदों उन्हां दा ज़हूर हो जाएगा पंजा साल तक सत्त साल तक या नौ साल तक हयात रहेंगे। इन्हां दा ज़हूर उदों होएगा जदों हर पासे फितना और फसाद होएगा। हर पासे फितना हर पासे फसाद समझ नहीं आ रहा होएगा। कोई ट्रैक नहीं मिल रहा होएगा कोई रास्ता नहीं मिल रहा होएगा। लेकिन दूसरिया रिवायतों के अंदर एक जमात ऐसी है जेड़ी हमेशा हक ते खड़ी होने वाली ओहो जमात इमामे महदी का साथ देने वाली हमेशा हक ते खड़ी होने वाली जमात केड़ी है? ओ जमात जेड़ी मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने तैयार फरमाई सहाबा किराम ते अहले बैत वाली जमात। फिर उन्हां दे शागिर्द अइम्मत मुहद्दिसीन वाली जमात जेड़े कुरान और सुन्नत दे पाबंद लोग ने ओ जमात इमाम महदी दे नाल होएगी। अल्लाह दे नबी ने फरमाया ओ ग्रोह ऐसा होएगा जेड़ा हमेशा एक ग्रोह ऐसा है जेड़ा हर वक्त कयामत तक वो हक ते कायम रहेगा ते हक ते डटिया रहेगा कुरान और सुन्नत ते डटिया रहेगा। दूसरी रिवायात दा मफहूम बयान कर रहे हैं अल्लाह दे नबी ने फरमाया जदों इमामे महदी आणगे ते अल्लाह दी जमीन नू हर सू चारों पासों आदल नाल अमन नाल इंसाफ नाल भर देणगे। ए इना दी वजह करके हर पासे अदल होएगा हर पासे इंसाफ होएगा। इत्थे ही बस नहीं नाल नाल इना दे खैरो बरकत भी होएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में भी बड़ी निशानी हजरत ईसा दा ज़हूर एदे बारे अंदर सुन दिया जाना जरा अकीदत अहली सुन्नति वल जमात। ये जड़ी अकीदत अहली सुन्नत वल जमात ये ओहो जमात जिदा मैं हुण तज़करा करके हटिया इन्हां दा अकीदा की है कुरान और सुन्नत वालियां दा अकीदा की है ना कि अल्लाह ने हजरत ईसा रूहुल्लाह नू आसमान दी तरफ उठा लिया ना इन्हां नू फांसी दे सके ना इन्हां नू कतल कर सके बल्कि उन्हां नू उठा लिया गया और कयामत दे करीब दमिश्क दी जामिया मस्जिद मीनार ते अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नू नाजल फरमाएगा। जड़िया रिवायात मैं पढ़िया ने ना उन्होंने नचोड़ ते मफहूम बयान करा। हजरत इमाम महदी असर दी नमाज दा वेला होएगा असर दी नमाज तो थोड़ी देर पहले नमाज दा वक्त करीब करीब होएगा। इमाम महदी भी जमात अंदर मौजूद होंगे इसे दमिश्क दी जामिया मस्जिद के अंदर। हजरत इमाम महदी उपर वेखणगे लेकिन उदों तक उन्होंने पता नहीं होएगा कि मैं महदी हाँ। उतनी देर तक उन्होंने इलम नहीं होएगा कि मैं महदी हाँ। फरमाणगे यार असर दा वक्त करीबे ओ बंदा जिहड़ा मीनार ते चढ़िया होया नजर आया उन्हों भी नीचे उतार लवो ताकि नमाज अंदर शरीक हो जाए। हजरत ईसा अलैहि सलाम नूं एवें मीनार तो नीचे लियांदा जाएगा। हजरत ईसा अलैहि सलाम आकर के फरमाणगे मैं ईसा रूहुल्लावा। कुरान हदीस के मुताबिक निशानियां पूरियां हो जाएगियां नाले हजरत ईसा फरमाणगे ये सारी जमात आकेगी तुसी ते अल्लाह दे नबी हो नमाज दा वक्त करीबे तुसा इमामत फरमाओ। हजरत ईसा फरमाणगे नहीं 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 इमामत उम्मत मुहम्मदिया दा हक है इमामत महदी करवाणगे।
ਨਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਦੀ ਹੋ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਦਾ ਜਾ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੁਜ਼ੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਫਰਮਾਣਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਆਈ, ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚੱਲੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਹਰਫ ਆਖਰ ਅਤੇ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀਨੇ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਫਰਮਾਣਗੇ ਨਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਧੜਾ ਧੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਤੇ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਰਿਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਵੱਲਾਹ। ਵੱਲਾਹ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਵੱਲਾਹ, ਤੱਲਾ, ਬਿੱਲਾ, ਕੱਲਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹ ਕਸਮੀਆਂ, ਕਸਮ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਲਾ, ਤੱਲਾ, ਬਿੱਲਾ, ਕੱਲਾ, ਇਹ ਕਸਮ ਹਰੂਫ ਹੈ ਕਸਮੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਵੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਬਨੇ ਮਰੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਿਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਅਦਲੋ ਇਨਸਾਫ ਫਰਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨਗੇ, ਔਰ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਖਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਜਿਜ਼ੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਜ਼ੀਏ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਜ਼ੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਟੈਕਸ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਜ਼ੀਏ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਬਣੇਗਾ ਟੈਕਸ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤਰਜਮਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦਾ? ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਜੱਗਾ। ਜੱਗਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਟੈਕਸ, ਜਿਜ਼ੀਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਜ਼ੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਦ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਜਵਾਨ ਊਂਟਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਕਸਰਤ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਊਂਟਣੀਆਂ ਊਂਟ ਖੁੱਲੇ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਬਹਿਮੀ ਕੀਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੀਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਗਜ਼, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਗਜ਼ਾ ਦਾਵਤ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਹਸਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਯਕੀਨਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਦਾ, ਅਸਤਗਫਿਰੁ ਅੱਲਾਹ ਲੀ ਵਲਕੁਮ ਵਲਿਸਾਇਰਿਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਵਲ ਮੁਸਲਿਮਾਤ।